जो समझदारी का मुजाहरा आपकी बेटी ने किया था, बस वही समझदारी आपको करनी पड़ेगी। ड्रामा सीरियल महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नवीन का कत्ल करवाने के बाद भी अमीर जाहिद को सुकून नहीं आता, लेकिन नवीन की मां को बुलाकर कहता है कि जिस तरह तुम्हारी बेटी ने समझदारी का मुजाहरा किया है, वैसे आप भी समझदारी का मुजाहरा करें। तो लेकिन नवीन की मां कहती है कि अमीर साहब, आपने जो किया वो गलत है, लेकिन मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती मैं ऐसा कुछ करके अपनी बेटी की रूह को तकलीफ पहुंचाऊं। तो अमीर जायद कहेगा कि 35 लाख इनाम दूंगा और 35 लाख से आप अपनी बेटी की तकलीफ को भूल जाएंगी। तो दूसरी तरफ आप ये नाजरीन ये भी देखेंगे कि जोया उमर को भड़काने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अगर मैं आपको ये साबित कर दूं कि ज़ारा साद के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है, तो उमर जोया को कहता है कि अगर तुम साबित कर दोगी कि मेरी बीवी साद के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है, तो मैं वादा करता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। जोया कहती है कि तुम मुझसे पूरी तरह वादा करो कि जो कुछ मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। तो उमर कहता है कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा जैसे तुम कहोगी, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, जैसे ही तुमने साबित किया तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे तुम कहेगी वही। पर उमर अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि तुम वैसी ही औरत निकली हो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि तुम साथ से नहीं मिलोगी, लेकिन तुम हर बार साथ से मिलती रही। आखिरकार तुम्हारा रिश्ता क्या है साथ के साथ? जोया के कहने पर उमर ने अपनी बीवी ज़ारा पर अल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, ये कहानी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि वो ज़ारा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उमर बोलता रहता है, वो कुछ नहीं बोलती। तो उमर कहता है कि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा साथ के साथ क्या रिश्ता है, तो तुम जवाब क्यों नहीं देती? वहीं पर ज़ारा को बहुत गु़स्सा आ जाएगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसके कहने पर कर रहे हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे जहन में गन भरा है औरतों को लेकर, औरतों की इज्जत को लेकर। किस तरह तुम औरतों पर शक करते हो? तो इस तरह उमर को बेहद गु़स्सा आ जाएगा, तो कहेगा कि मैं तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बाप के बारे में ऐसे कहते हुए? तुम्हें इन्हें इज्जत देनी चाहिए, तुम इन्हें इज्जत देने के बजाय इनको बातें कर रही हो। तो ज़ारा को मज़ीद गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारे बाप को मैं मज़ीद इज्जत नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारा बाप घटिया तरीन इंसान है जिसने तुम्हारे जहन को अपने काबू में रखा हुआ है और तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद की कर दिया, तुम्हारी माँ की ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर दिया और मेरी ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वो इंसान नहीं, एक शैतान है। जब उमर ये अल्फाज ज़ारा के मुंह से सुनते हैं तो इसको मज़ीद गुस्सा आ जाता है, तो वो ज़ारा के मुंह पर थप्पड़ मारकर चला जाता है। वहीं पर जोया आ जाती है ज़ारा को मज़ीद गुस्सा दिलाने के लिए और कहती है कि तैयारी पकड़ो, अब जल्दी मैं और उमर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और वैसे भी तुम्हारे मुँह की लाली देखकर अंदाज़ा हो गया है कि मेरे आने से पहले ही बहुत कुछ हुआ है और तुम्हारी गाल पर उंगलियों के निशान मौजूद हैं। अमीर जायद भी ज़ारा को आकर बातें सुनाने लग जाएगा। तो नाज़रीन, आप ये भी देखेंगे कि अमीर जायद जब ज़ारा को बातें सुनाएगा तो कहेगा कि तुमने गलत सोचा था, मैं खेल का एक पहलू हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती थी कि मैं खुद ही एक खेल हूँ, कि तुम मुझे आसानी से हरा दोगी। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम इस खेल में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, लेकिन खुशी भी है कि तुम बहुत जल्द मेरे बेटे की ज़िंदगी से चली जाओगी। तो क्या होगा आगे? किस तरह वो उमर को समझाएगी अपने और उसके रिश्ते के बारे में, और किस तरह वो उमर को ये भी बताएगी कि वो खुद को अपने बाप से और जोया से दूर रखे? तो ये जानने के लिए आप देखते रहें ड्रामा सीरियल महरूम हमारे चैनल हमारा सत्तार पर। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो।